हेलो फ्रेंड्स अपने आज के ट्यूटोरियल में हम स्ट्रिंग से रिलेटेड क्लासेस के बारे में देखेंगे इसी शॉप स्ट्रिंग इज अ बिल्ड एंड इन एंड प्रिमेटिव डाटा टाइप या आप जानते ही हैं कि स्ट्रिंग हमारी प्रिमेटिव डाटा टाइप कैटेगरी के अंदर आती है अगर आप अपना प्रिमिटिव डाटा टाइप स्ट्रिंग क्रिएट करना चाहते हैं तो आप सिस्टम डॉट स्ट्रिंग क्लास का मेम्बर क्रिएट करेंगे द ऑब्जेक्ट ऑफ स्ट्रिंग क्लास आर इम्यूटेबल बाई नेचर इम्यूटेबल वर्ड का क्या मतलब है अगर आप सिस्टम डॉट स्ट्रिंग क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो वो इम्यूटेबल होगा मतलब कि अगर आप उस पे कोई ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो वो उस परफॉर्म ना होके उसका रिजल्ट आपको एक नई स्ट्रिंग में मिलेगा फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मेरे पास कोई स्ट्रिंग है मैं उसे अपर केस में कन्वर्ट करना चाहती हूँ अपर केस में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास मेथड होता है टू अपर तो फिर इस टू अपर मेथड का रिजल्ट तो उस स्ट्रिंग में ना जाके एक नई स्ट्रिंग में स्टोर होगा इसका मतलब यह है कि स्ट्रिंग टाइप के ऑब्जेक्ट पे हम कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो हमारा एक अलग नया ऑब्जेक्ट बनता है द म्यूटेबल वर्जन ऑफ स्ट्रिंग इन डॉट नेट प्लेटफॉर्म इज सिस्टम डॉट टेक्स्ट डॉट स्ट्रिंग बिल्डर क्लास अगर आप म्यूटेबल स्ट्रिंग्स के साथ काम करना चाहते हैं तो आपके पास स्ट्रिंग बिल्डर नाम की क्लास है जो हमारे सिस्टम डॉट टेक्स्ट नेम स्पेस में एग्जिस्ट करती है इस क्लास के ऑब्जेक्ट के ऊपर आप जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे वो उसी ऑब्जेक्ट पे रिफ्लेक्ट करेगा कोई नया ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं होगा अपने आज के ट्यूटोरियल में हम पहले स्ट्रिंग क्लास के बारे में पढ़ेंगे अब हम इस स्ट्रिंग क्लास के मेंबर्स को देखेंगे प्रॉपर्टीज एंड मेथड्स देखते हैं स्ट्रिंग क्लास एंड इट्स मेंबर्स ये आप टेबल देख रहे हैं इसमें मेरी पहली प्रॉपर्टी आती है लेंथ लेंथ प्रॉपर्टी आपको ये बताएगी कि आपकी स्ट्रिंग में टोटल कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हैं अगर आप अपनी एक स्ट्रिंग को किसी दूसरी स्ट्रिंग से कंपेयर करना चाहते हैं तो आप कंपेयर मेथड्स को यूज कर सकते हैं इस कैटेगरी में हमारे पास कंपेयर टू और कंपेयर ये दो मेथड होते हैं अगर आप चेक करना चाहते हैं कि आपकी स्ट्रिंग दूसरी स्ट्रिंग के इक्वल है या नहीं तो आप इक्वल्स मेथड को यूज कर सकते हैं अगर आप दो स्ट्रिंग को जोड़ना चाहते हैं उनका कंकैटिनेशन करना चाहते हैं तो इसके लिए हमारे पास कॉन्केट नाम का मेथड होता है अगर आप अपनी स्ट्रिंग में कोई नई और स्ट्रिंग कोई एक नया पार्ट और ऐड करना चाहते हैं तो इसके लिए हमारे पास इंसर्ट मेथड होता है इसमें आप देखेंगे दो पैरामीटर हैं एक इन टाइप का इंडेक्स और दूसरा स्ट्रिंग टाइप का एस ये क्या है पहला इंडेक्स ये बताता है कि आप स्ट्रिंग में कौन सी पोजीशन पे अपनी नई स्ट्रिंग को इंसर्ट कराना चाहते हैं और सेकंड पैरामीटर है स्ट्रिंग जिसमें आप नई वैल्यू इंसर्ट कराना चाहते हैं इसके बाद हमारा नेक्स्ट मेथड आता है कॉपी अगर आप अपनी किसी स्ट्रिंग का कॉपी करना चाहते हैं तो आप कॉपी मेथड को यूज कर सकते हैं इंटर्न इसका डिस्क्रिप्शन ये स्टैटिक मेथड है रिटर्न करके हमें सिस्टम्स रेफरेंस आप जो स्ट्रिंग पास करेंगे इसमें एज अ पैरामीटर उसका रेफरेंस ये मेथड हमें रिटर्न करके देगा अगर आप चेक करना चाहते हैं कि आपकी स्ट्रिंग किस अल्फाबेट से स्टार्ट हो रही है तो आप स्टार्ट विद मैथड को यूज कर सकते हैं रिटर्न ट्रू इफ दिस स्ट्रिंग स्टार्ट विद द सप्लाइड स्ट्रिंग एस आप इसमें एज अ पैरामीटर जो वैल्यू देंगे अगर उससे आपकी स्ट्रिंग स्टार्ट हो रही है तो ये ट्रू रिटर्न करके देगा अदरवाइज फॉल्स इसी तरीके से आप चेक करना चाहते हैं कि आपकी स्ट्रिंग एंड किससे हो रही है तो इसके लिए आप ends विद मैथड का यूज करेंगे और इसमें एज अ पैरामीटर वो स्ट्रिंग देंगे जो आप चेक करना चाहते हैं कि क्या उससे एंड हो रही है नहीं हो रही है आपकी स्ट्रिंग अगर आपकी स्ट्रिंग सप्लाइड स्ट्रिंग से ही एंटर हो रही है तो आपको ट्रू मिलेगा इसके बाद हमारा नेक्स्ट मेथड आता है इंडेक्स ऑफ इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं रिटर्न्स द जीरो बेस्ड इंडेक्स ऑफ द फर्स्ट अक्रेंस ऑफ द सप्लाइड स्ट्रिंग एस और सप्लाइड कैरेक्टर सी एच इसमें एज अ पैरामीटर आप जो स्ट्रिंग या कैरेक्टर देंगे वो आपकी स्ट्रिंग में पहली बार किस इंडेक्स पे आ रहा है वो इंडेक्स आपको रिटर्न होके मिलेगा इसके बाद अगर आप किसी पर्टिकुलर स्ट्रिंग या कैरेक्टर आपकी स्ट्रिंग में आखिरी बार कहां आया है तो इसके लिए आप लास्ट इंडेक्स ऑफ मेथड का यूज करेंगे अगर आप अपनी स्ट्रिंग में कुछ चेंजेस करना चाहते हैं आप अपनी स्ट्रिंग का कोई पार्ट किसी दूसरे पार्ट से रिप्लेस करना चाहते हैं तो आप रिप्लेस मेथड को यूज करेंगे इसके बाद हमारा स्प्लिट मेथड आता है अगर आप अपनी स्ट्रिंग को एरे में कन्वर्ट करना चाहते हैं स्ट्रिंग टाइप के एरे में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप स्प्लिट मेथड को यूज करेंगे स्प्लिट मेथड को यूज करके आप अपनी स्ट्रिंग को तोड़ सकते हैं इसके बाद हमारा नेक्स्ट मेथड आता है सब स्ट्रिंग अगर आप अपनी स्ट्रिंग में से उसका कोई एक पार्ट निकालना चाहते हैं तो आप सब स्ट्रिंग को यूज कर सकते हैं इसमें एज अ पैरामीटर आपको इंडेक्स देना होगा कि आप कहां से कहां तक की स्ट्रिंग गेट करना चाहते हैं इसके बाद हमारा नेक्स्ट मेथड है टू कैर एरे इसका डिस्क्रिप्शन रिटर्न्स एन एरे ऑफ कैरेक्टर्स ऑफ दिस स्ट्रिंग्स ये आपको एक कैरेक्टर टाइप का एरे रिटर्न करके देगा अगर आप अपनी स्ट्रिंग को अपर केस में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप टू अपर मेथड को यूज करेंगे अगर आप उसे लोअर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप टू लोअर मेथड को कॉल करेंगे अगर आप अपनी स्ट्रिंग के आगे तो मतलब स्टार्टिंग और एंडिंग दोनों तरफ के एक्स्ट्रा स्पेसेस हटाना चाहते हैं तो आप ट्रिम मेथड को यूज करेंगे अगर आप केवल स्टार्टिंग के ही एक्स्ट्रा स्पेसेस हटाना चाहते हैं तो आप ट्रिम स्टार्ट मैथड को कॉल करेंगे और अगर आप केवल एंडिंग के ही एक्स्ट्रा स्पेसेस रिमूव करना चाहते हैं तो आप ट्रिम एंड मैथड को यूज़ करेंगे इस तरीके से हमने आज के ट्यूटोरियल में स्ट्रिंग क्लास के मेंबर्स के बारे में पढ़ा अपने नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम इसका एग्जाम्पल देखेंगे पर आज के लिए इतना ही थैंक यू